हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं मेरठ। सो गाइस, मिलते हैं मेरठ में, चिल मारेंगे पूरा। यार वेदर देखो, कितना जबरदस्त वेदर हो रहा है। क्लाउड्स देखो, कितने मस्त लग रहे हैं, और ऊपर से बाइक पे जा रहे हैं तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस अभी हम सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करेंगे, पास में ही है उसके, ये भाई लोग साथ में ही हैं। दिखाता हूँ अभी आपको मैं। फाइनली ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज। थोड़ी यहाँ फोटो वोटो खिंचा लेंगे क्योंकि आज तक रुके नहीं कभी यहाँ। ये देखिए गाइस, अपोजिट साइड सनसेट हो रहा है। वाह भाई, मज़ा ही आ गया आज तो। अभी यहाँ थोड़ी और फोटो वोटो खिंचा लें। फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वाओ, मतलब है यार, दिल्ली में भी बातचीत है पूरी, दिल्ली वाली बातचीत ब्रो। यार मौसम तो खराब ही लग रहा है, कभी भी बारिश आ जाएगी। बाकी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और वही मजा आ रहा है तो बहुत ज्यादा यार, पूरी फीलिंग आ रही है भाई। मौसम भी मस्त है, अभी बारिश भी लगता है आ जाएगी। मौसम पूरा एंड हुआ पड़ा है। ये अपने भाई लोग जा रहे हैं। हाँ भाई, इधर देख इधर, बस आहो लड़का गाइस भाई। फाइनली मेरठ में हम आ चुके हैं। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है यहाँ, देखते हैं थोड़ा मार्केट वगैरह जाएंगे अगर बारिश रुकेगी तो। बारिश हो रही है तो मुश्किल ही लग रहा है, कहीं जा पाएंगे अभी। अब देखते हैं क्या होगा, शायद। चलो गुड नाइट गाइस, अगर मार्केट गया तो जरूर दिखाऊंगा, नहीं तो गुड नाइट। रात को कहीं जा नहीं पाए क्योंकि यार बारिश बहुत तेज थी। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहां फोटो वगैरह खींचेंगे। तो गाइस, मेरठ के रेलवे स्टेशन आ गए हैं। काफी टाइम हो गया रेल वगैरह नहीं देखी थी, तो सोचा कि थोड़ा स्टेशन वगैरह पे घूमाए। बारिश भी बहुत तेज है, अपने भाई लोग आ रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज है यार। ये देखिए इंजन ट्रेन का खड़ा हुआ है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, आगे जा नहीं सकता ही। ये अपने लड़के लगे हैं फोटो वगैरह खींचने में आगे। कोई नहीं, लेन दो मुझे। ट्रेन भी साली काफी टाइम में मतलब देखने को मिलती है। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, अभी हम भी खिंचवाएंगे फोटो वगैरह। शॉट है थोड़ा अंदर लिया कैमरा, आज तुम्हारा भाई रील चलाएगा। बटन मत, तो नहीं आ जा, जा तो उंगली मत। आगे भाई आगे, ड्राइवर साहब। सो गाइज, रेलवे स्टेशन घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं हस्तनापुर। वहाँ पर कुछ टेंपल्स वगैरह है, मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी आप वेदर के नज़ारे लो, हम तो ले ही रहे हैं, आप भी लो, क्योंकि मस्त मौसम हुआ पड़ा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बाइक चला रहे हैं तो अलग ही मज़ा आ रहा है। देखिए यहाँ का हैंडपंप कैसा है, एक हाथ से चलाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ये देखिए हेडपम्प यहाँ का। सुबह बारिश रुकने के बाद वहां से हम निकल चुके हैं, रास्ते में रुक गए थे। ये मवाना सिटी आप देखिए, रास्ते में ही आता है।
मवाना, अभी ये क्रॉस कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। आप यहाँ मार्केट देखिए, मवाना मार्केट। वेदर वाह जबरदस्त, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो पड़ा है ना यार, समझ नहीं आ रहा। धूप भी निकली हुई है, काले बादल ऊपर देख सकते हैं आप यार, और ग्रीनरी। मतलब दिल्ली में तो इतना कुछ देखने को मिल ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम है यहाँ। सो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हस्तनापुर में। वाह, थक गया, लाते सीधे कर रहा है। यो यो नहीं मानेगा। ओहो जीत। थोड़ा बहुत चिल मारने के बाद अब जा रहे हैं हम, थोड़ा बहुत यहाँ के आपको दिखाएंगे जो फेमस फेमस जगहें हैं यहाँ की। फाइनली वी आर इन श्री अस्तापर तीर्थ हस्तनापुर, 151 फुट। Finally, I am going inside the temple. It's too big. मंदिर में आगे की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पानी पीने का सिस्टम बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है। ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, शायद बंद हो गया इस टाइम। अब हम जा रहे हैं 5 पांडवों के मंदिर। दोस्तों ये मंदिर शिव का मंदिर है, जहाँ पांडव लोग पूजा किया करते थे, और 7200 साल पुराना मंदिर है ये। आपको मंदिर दिखाने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए, क्योंकि शाम भी हो चुकी है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा सनसेट। ये देखिए नहर पूरी, मतलब मजे आ रहे हैं गांव के पूरे हमें यहाँ पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, सनसेट हो चुका है, अब दिल्ली वापसी जा रहे हैं। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।